ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है और नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईसीआर पासपोर्ट वाला गल्फ कंट्री में काम कर सकता है कि नहीं, और नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है, और इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज़ निलेश। तो अभी तक आप मेरे चैनल पे नए होंगे दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, गल्फ के बारे में जानकारी लेने के लिए। ओके, तो हम बात करेंगे ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है। ओके, ईसीआर पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो पासपोर्ट होता है जिसमें 10 का मार्कशीट नहीं लगा हुआ होता है। मीन्स हम जब पासपोर्ट बनाते हैं तो उसमें 10 का मार्कशीट नहीं लगा हुआ रहता है, तो उसे ईसीआर पासपोर्ट कहा जाता है। ओके, एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट का मतलब क्या होता है। नॉन ईसीआर पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब हम पासपोर्ट बनाते हैं तो उसमें हमारा जो 10 का मार्कशीट लगाते हैं या हमारी डिग्री का मार्कशीट लगाते हैं, इसके लिए वो नॉन ईसीआर पासपोर्ट होता है, उसमें इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, तो सवाल यहाँ पे ये होता है, तो बहुत लोग सोचते हैं यार मैंने तो पढ़ाई किया ही नहीं, मैं 8 तक पढ़ा है, मैं 9 तक पढ़ा है, और मुझे विदेश जाना है और मुझे गल्फ कंट्री में जाके बहुत सारा पैसा कमाना है, तो मैं विदेश कैसा जाऊँ, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है और मैंने 10 तक पढ़ाई भी नहीं किया, मेरा पासपोर्ट भी नहीं बनेगा। तो सो गाइस, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप 10 भी नहीं पढ़े हैं तो भी आप पासपोर्ट बना के आप गल्फ कंट्री में आप कहीं भी काम कर सकते हो। 18 कंट्री में ईसीआर पासपोर्ट का वैलिड है। ओके, तो 18 कंट्री में आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 क्लास पढ़ा हूँ और मेरे उसके बाद दादी मैं विदेश जाके काम कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ईसीआर पासपोर्ट में क्या होता है, अगर आप ईसीआर पासपोर्ट आपके पास है, आप जब विदेश जाते हो, आप 18 कंट्री में कहीं भी जाते, से सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, जॉर्डन, फिर उसके बाद मलेशिया, सूडन, तो हर एक कंट्री में जब आप जाओगे, ओमान, बहरीन, कहीं भी जाओगे, तो आप जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो आपको वहाँ पे क्लियरेशन आपको लेना पड़ेगा ईसीआर पासपोर्ट में। ओके, बस यही डिफरेंट है। एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट में अगर आपको वीज़ा मिलता है, आप गल्फ कंट्री में जब आप जाओगे कहीं भी विदेश में काम करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पासपोर्ट इमिग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब आपको वहाँ पे आप फ्री है, मतलब आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये बेनिफिट है। तो बहुत सारे मतलब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि अरे यार मैं अच्छा टेक्नीशियन हूँ, मुझे अच्छी चीज़ की नॉलेज है और मैं विदेश में जाके पैसा कमाना चाहता हूँ। तो गाइस, ये वीडियो आप लोग के लिए है और आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है ये। तो अगर आप सोचते हो कि आप 10 तक पढ़ाई नहीं की हो, आपके पास 10 का मार्कशीट नहीं है, आप विदेश में आके काम करना चाहते हो, तो आप ईसीआर पासपोर्ट बना के आप विदेश में आके काम कर सकते हो, क्योंकि विदेश में ये नहीं देखा जाता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी क्या डिग्री है। ओके, अगर आप टेक्नीशियन फील्ड में आते हो तो आपका नॉलेज देखा जाता है कि आपको किस चीज़ का आपको टेक्निकल नॉलेज है। ओके, उस चीज़ को देखा जाता है, आपका मार्कशीट यहाँ पे नहीं देखा जाता है। ओके, हाँ, बाय द वे, अगर आप एक अच्छे पोस्ट पे काम करने आते हो, जहाँ पे मतलब ऑफिस लाइन में या मेडिकल्स लाइन में और भी जो पोस्ट हैं, तो वहाँ पे आपका पूरा चीज़ का, आपका डॉक्यूमेंट्स का, आपका चेकअप होएगा, उसके बाद ही आपको आगे चल के आपको यहाँ पे जॉब मिलता है। ओके, तो ईसीआर एंड नॉन ईसीआर पासपोर्ट का ये डिफरेंट होता है। ईसीआर पासपोर्ट में मार्कशीट नहीं लगा हुआ होता है, नॉन ईसीआर पासपोर्ट में मार्कशीट लगाया जाता है, जिसके वजह से रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ईसीआर पासपोर्ट में जब आप पासपोर्ट लेके आप विदेश आते हो तो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको क्लियरेशन आपको लेना पड़ता है। ओके, बस यही डिफरेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, सी यू नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।